माता की। मंच पर विराजमान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान केडी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, यहां के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी और लोकसभा के हमारे उम्मीदवार श्रीमान ज्वेल वोरा जी, संगीता जी, सुरेश पुजारी जी, सुभाष चौहान जी, प्रदीप नायक जी, यह बार इसके साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव के सभी उम्मीदवार और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मुई आज सुरेंद्र साहेब इबीर मैट ने किया एव करी संबलपुरा देवी समलई मां के जुहार करूच। द्वारका आर सोमनाथ मैटनो समलेर माउट मैट के आईज समलपुर सब भाई बहन माने मोर जुनान छिनोन। भाइयों बहनों, इस चमचमाती धूप में, इतनी कड़ी धूप में मेरे चारों तरफ इतनी बड़ी मात्रा में चुनाव सभा में इतना बड़ा जनसैलाब, भाइयों बहनों, ये जनसैलाब दिखाता है कि चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं। हमने कभी चुनाव सभाओं में और ऐसी चमचमाती धूप में ऐसा केसरिया समंदर कभी देखा नहीं। भाइयों बहनों, हवा तेज है, चुनाव आते ही आते आंधी नजर आने लगी है और चुनाव का मतदान होते होते ये सुनामी में बदल जाएगा। भाई बहनों, इस चुनाव में देश के नागरिक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, इतना ही मकसद नहीं है। सिर्फ मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इतना भी सिर्फ मकसद नहीं है।
लेकिन देश की जनता का एक और मकसद है और वो मकसद है देश को बर्बाद करने वालों को सजा करने का। और देश की जनता इस बार जिन जिन लोगों ने देश को तबाह किया है, बर्बाद किया है, उनको चुन चुन करके साफ कर देंगे। हमारे देश में कोई गलती करे तो समाज कभी माफ करता है, किसी से कोई कमी रह जाए तो समाज सोचता है चलो भाई आगे कभी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई धोखा करे तो जनता कभी उसे माफ नहीं करती है। आप मुझे बताइए भाइयों, आप किसी धोखेबाज को माफ करोगे? वादा खिलाफी करने वालों को माफ करोगे? आपके सामने झूठ बोलने वालों को माफ करोगे? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करने में बहुत माहिर है, माहिर। 60 साल से हर चुनाव आते ही एक नया झूठ, जनता के आंख में धूल झोंकने का एक नया काम। और अब तो कांग्रेस वालों को लगता है कि अब धूल झोंकने से बात बनने वाली नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट में मिर्ची झोंकने का काम किया, मिर्ची झोंकने का। भाइयों बहनों, मैं आज याद कराना चाहता हूं, मैं 2009 के चुनाव में आपके संबलपुर में आया था, एक छोटी सभा थी, शहर के एक कोने में थी, और उस छोटी की भीड़ को मैं संबोधित करके गया था। भाइयों बहनों, तब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। मुझे बताइए भाइयों, कांग्रेस ने वादा किया था? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो, कांग्रेस ने महंगाई कम करने का वादा किया था, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, वादा किया था, वादा किया था, वादा किया था, वादा निभाया, वादा निभाया, महंगाई कम हुई, महंगाई खत्म हुई, ऊपर से क्या हुआ? महंगाई, महंगाई। भाइयों बहनों, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, चूल्हा नहीं। भाइयों बहनों, बच्चे भूखे सोते हैं, मां रात रात रोती है, गरीबों के प्रति अगर इनका यह रवैया रहा तो ये कभी गरीबों का भला नहीं कर सकते। और एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है, इसको चीजें समझने में 60 साल लग जाते हैं, किसी बात को समझने में उसको 60 साल लग जाते हैं। हमें बताओ भाइयों, हर इंसान को पेट है कि नहीं है? बताइए ना, है कि नहीं है? हर इंसान को पेट होता है कि नहीं होता है? भूख लगती है कि नहीं लगती है?
खाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। इनको 60 साल के बाद याद आया कि खाने के लिए कानून बनाओ, बताओ। 60 साल तक इन्हें पता ही नहीं था कि इंसान को पेट भी होता है, भूख भी होता ही है, और गरीब पेट के भरने के लिए मरता है। इनको 60 साल तक पता नहीं था। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जितने दिन ज्यादा हम झेलेंगे उतने दिन ज्यादा जुल्म बढ़ेंगे। और इसलिए मैं आज संबलपुर की इस पवित्र धरती पर आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप मुझे ऐसी शक्ति दें, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए काम आऊं, आपके आंसू पोंछने के लिए काम आऊं। भाइयों बहनों, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत को इस स्थिति में रखने से हम कहीं के नहीं रहेंगे। दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और हम पीछे के पीछे रह जाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, अरे नो उदले ना है वो आपके जो नहीं नहीं उदले ना उदले ही जो भाई होलू जी, गरीब आदमी की अगर चिंता करनी है, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों की चिंता करनी है, ऊपर चोल तोड़ जो सब होलू जो, एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। हमारा आदिवासी समाज सदियों पुराना है कि नहीं है भाइयों, जरा बोलिए ना। आदिवासी समाज सदियों पुराना है कि नहीं है? जंगलों में रहता है कि नहीं रहता है? बहुत ही पवित्र जीवन जीता है कि नहीं जीता है? भाइयों बहनों, इन कांग्रेस वालों को पता ही नहीं था कि हमारे देश में आदिवासी समाज होता है, उनकी समस्याएं होती है, उनकी आवश्यकताएं होती है, कुछ पता नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इस देश में आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बना, अलग बजट आया, अलग मंत्री बना। हमारे जुआल जी उस समय काम करते थे। भाइयों बहनों, इसका कारण क्या? कांग्रेस को अगर आदिवासियों की चिंता होती, उनके दुख दर्द का पता होता, तो बहुत पहले से ही वे इस काम को कर सकते थे। आदिवासी को जमीन का हक चाहिए। भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों को जमीन का हक देने में सबसे अच्छा किसने काम किया है? तो भाजपा की सरकारों ने किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, लेकिन और किसी सरकार ने आदिवासियों को जमीन का हक देने का काम उतनी मात्रा में नहीं किया। भाइयों बहनों, कुछ दिन पूर्व यहां एक हादसा हो गया था। 9 फरवरी को और करीब 31 लोग शहीद हुए, स्वर्गवासी हुए थे। भाइयों बहनों, आज भी नाव में जाना आना कहीं और सुरक्षा की दृष्टि से इतनी उदासीनता, और उनके शरीर खोजने में भी कितना टाइम चला गया। जिन परिवारों ने
अपने स्वजन खोए हैं, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, ये संबलपुर की धरती हमारे देश में 1857 के स्वातंत्र संग्राम की चर्चा होती है, लेकिन ये संबलपुर ऐसा है जिसने उससे भी पहले आजादी का जंग लड़ा था। 20 सुरेंद्र साई, 20 सुरेंद्र साई, 20 सुरेंद्र साई, आप देखिए 1857 के स्वातंत्र संग्राम के भी पहले अंग्रेज सल्तनत के दांत खट्टे करने के लिए अपने जान की बाजी दगाने वाला ये वीर नौजवान इसी धरती से। और ये परंपरा हमेशा बनी रही। भाइयों बहनों, 1857 का स्वातंत्र संग्राम था कमल और रोटी घर घर जाते थे, संदेश दिया जाता था स्वराज की लड़ाई के लिए कमल और रोटी पहुंच गई, मतलब आजादी के जंग की तैयारी की सूचना आ गई। कमल और रोटी ये संकेत था 1857 के स्वातंत्र संग्राम स्वराज की लड़ाई कमल और रोटी, 2014 स्वराज की लड़ाई 1857 स्वराज की लड़ाई, 2014 सुराज की लड़ाई 1857 स्वराज की लड़ाई कमल और रोटी, 2014 सुराज की लड़ाई कमल और मोदी। भाइयों बहनों, ये कमल वो संदेश लेकर के आया है, अब देश को कुशासन नहीं चाहिए, देश को सुशासन चाहिए, गरीब की आवाज सुनाई देनी चाहिए, माता और बहनों को सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। हमारा किसान भाइयों बहनों, यहां पर पानी है, उपजाऊ भूमि है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रति हेक्टेयर जमीन में जो उत्पादन होना चाहिए कम होगा, क्या इसमें सुधार नहीं किया जा सकता? किसान मेहनत करने को तैयार है, उसको सही मार्गदर्शन चाहिए, अच्छे बीज चाहिए, खेती के नए तौर तरीके चाहिए। मेरा किसान अपनी ताकत दिखा सकता है। भाइयों बहनों, हमारा संबल कला आर्ट हैंडीक्राफ्ट उसकी अपनी पहचान है। भाइयों बहनों, ये छोटे छोटे कारीगर, चाहे संबलपुर की साड़ी कितनी प्रचलित है, लेकिन क्यों ना दुनिया में इसको मार्केट मिले, क्यों ना हिंदुस्तान भर में हमारे इस कला कौशल्य के दीवानों को जो कुछ ना कुछ दया देते हैं उनको बहुत बड़ा बाजार क्यों ना मिले। लेकिन इसके लिए शासन को समझ होनी चाहिए, इलाके के विकास की चिंता होनी चाहिए। भाइयों बहनों, आपके पड़ोस में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और जब वो संयुक्त था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वो बीमारू राज्य माना जाता था। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारों ने 10 साल में जो कमाल कर दिया है, वो बीमारू राज्य से आज एक सशक्त राज्य के रूप में उभर करके आए। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र में क्रांति की है, किसानों के हक के लिए योजनाएं बनाई है, तो क्या पड़ोस में उड़ीसा में नहीं बन सकती? लेकिन भाइयों बहनों,
जनता के लिए जीने मरने वाली सरकार चाहिए, जनता के लिए काम करने वाली सरकार चाहिए, तब जाकर के होता है। लेकिन भाइयों बहनों इनको परवाह नहीं है, और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, मैं तो हैरान हूं अभी मध्य प्रदेश में ओले गिरने के कारण कोई गांव कोई इलाका ऐसा नहीं है वहां का किसान बर्बाद न हुआ। हमारे शिवराज सिंह चौहान अनशन पर बैठना पड़ा, मध्य प्रदेश बंद रखना पड़ा, इतनी बड़ी तबाही हुई, लेकिन दिल्ली की सरकार का उसकी परवाह ही नहीं है। भाइयों बहनों मुझे बताइए, क्या मध्य प्रदेश का किसान भी हमारा भाई है कि नहीं है? उसकी मुसीबत हमारी मुसीबत है कि नहीं है? क्या दिल्ली सरकार ने, ये भाजपा की सरकार है इसलिए वहां के किसानों को मरने देना चाहिए, वहां के किसानों को बर्बाद होने देना चाहिए? हमारे शिवराज सिंह चौहान, मैंने कभी उनको इतना परेशान और दुखी नहीं देखा था। कल जब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, शिवराज ने जो दर्दनाक कथा सुनाई, दिल्ली सरकार को परवाह तक नहीं है। किसान मारा जा रहा है, ओले गिरे, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्रधानमंत्री को, उनके नेताओं को, उनके शहजादे को मध्य प्रदेश के किसानों की परवाह नहीं। उनको वो अपने नहीं लगते, क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी भाजपा की सरकार बनाई है। गुस्सा इतना है, गुस्सा इतना है कि उनको लगता है ओले गिरे किसान को मरने दो, हमको वोट नहीं दिया था। भाइयों बहनों, 125 करोड़ का देश एक है, जन जन एक है, सरकारें किसी की भी क्यों ना हो, हर सरकार के साथ वहां के हर नागरिक के साथ न्यायी व्यवहार होना चाहिए, राजनीतिक तराजू से तोलना नहीं चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, इनको किसानों की चिंता कहां है? उनको तो एक ही चिंता है, ये मोदी आ जाएगा तो। उनको एक ही चिंता सताती है, कहीं मोदी आ गया तो। भाइयों बहनों, मैं 24 घंटे दिन रात देश की समस्याओं का हल ढूंढता रहता हूं, और ये सारे लोग इकट्ठे होकर के मोदी का हल ढूंढ रहे हैं। भाइयों बहनों, सिवा राजनीति सत्ता हथियाने के हथकंडे, इसके सिवाय इन्होंने कुछ करना नहीं है। भाइयों बहनों, अभी हमारे देश के विदेश मंत्री, कल लंदन गए थे, कल परसों वहां उन्होंने भाषण किया। मैं हैरान हूं, ये किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये कैसी भाषा बोलते हैं? बहुत गंभीर बातें उन्होंने वहां बताई है। हिंदुस्तान गर्व कर सकता है, हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और हमारे यहां कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में चुनावी व्यवस्थाएं होती। इतना ही नहीं, इतने बड़े देश का इलेक्शन में रिजल्ट का काउंटिंग एक दिन के सुबह से शाम तक चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं। ये सारा काम हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। दुनिया में समृद्ध देश अमेरिका, उसको भी
चुनाव नतीजों की गिनती में कई दिन लग जाते हैं। एक बार जब बुश की छुट्टी हुई तो हफ्ते भर गिनती चलती रही थी। भाइयों बहनों, ये कमाल हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, हिंदुस्तान के हमारे इलेक्शन कमीशन का है, उसका गौरव करना चाहिए। उसके बजाय उसको गाली लंदन में जाकर के दे रहे हो और ये कह रहे हो वो हमें बोलने नहीं देता है। और तीन लोग हैं वो सब निर्णय करते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत के विदेश मंत्री ने, कांग्रेस के नेता ने लंदन में जाकर के इलेक्शन कमीशन को जो गालियां दी है, उसकी आलोचना की है, उसकी प्रतिष्ठा को ध्वस्त किया है, एक ही कारण है कि वो पराजय के कारण ढूंढने लग गए हैं कि आने वाले चुनाव में पराजय हो जाए तो ठिकरा किसके सर पे फोड़ना उसका खेल खेल रहा है। भाइयों बहनों, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला बोल दिया। अरे आज दुनिया के अंदर न्याय प्रणाली पर विश्व के संबंधों की ताकत बनती है। कोई भी विदेश का पूंजी निवेश करने आता है तो उस देश की न्याय प्रणाली कैसी है उसको भी देखता है। और ये विदेश मंत्री देखिए, दुनिया में जाकर के भारत की सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी जिम्मेवारी है कि आपके मंत्री ने विदेश में जाकर के हिंदुस्तान की दो महत्वपूर्ण संस्थाओं को बदनाम करने का पाप किया। भाइयों बहनों, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, INC, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब नाम बदल देना चाहिए। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन नेगलेक्टिंग कांग्रेस है। सारी संस्थाओं को तोड़ दो, उसकी बेइज्जती करो, संवैधानिक संस्थाओं की बेइज्जती करो, और इसलिए यही उनका रोल है। और उनकी आदत है मिसयूज करना, एब्यूज करना, रिड्यूस करना, सारी संवैधानिक संस्थाओं को तबाह करने का काम इन लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, आने वाला चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण, आपका एक एक वोट भारत का भाग्य बनाने वाला है। और इसलिए आप भारत के भाग्य विधाता हो, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि विरोधियों के झूठ, उनका मुकदार बहुत बार हमें गुमराह कर चुके हैं, अब गुमराह नहीं होना है। और भाइयों बहनों, दिल्ली में सिर्फ मोदी प्रधानमंत्री बने इतने से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, अब दिल्ली में सिर्फ नाम मात्र की सरकार नहीं चाहिए, दिल्ली में काम करने वाली सरकार चाहिए, दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए, दिल्ली में स्थिर सरकार चाहिए, दिल्ली में प्रगतिशील सरकार चाहिए। और इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाना होगा। आपके इस उड़ीसा से ज्यादा कमल आपको दिल्ली पहुंचाना होगा। जितने ज्यादा कमल आएंगे उतनी सरकार ज्यादा मजबूत बनेगी, जितने कमल ज्यादा पहुंचेंगे उतनी सरकार स्थिर बनेगी, जितने ज्यादा कमल आएंगे उतनी ये सरकार प्रगतिशील बनेगी। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, और आप तो जानते हो भैया, यहां के मुख्यमंत्री से आपको कोई आशा है क्या? कोई आशा है क्या? किसी काम में आते हैं क्या? उनको समय है क्या आपके लिए?
अब उनके लिए क्या समय बर्बाद करूं भाई। जिसके आपके लिए समय नहीं है उसके लिए मैं क्यों समय बर्बाद करूं। इतना भारी बहुमत मनने के बाद भी जो काम ना कर सके, भाइयों बहनों दिल्ली में ऐसा नमूना नहीं चाहिए, दिल्ली में हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली में तो काम करने वाली सरकार चाहिए, निर्णय करने वाली सरकार चाहिए। बुलंदी से हौसले हो वही लोग दिल्ली चला सकते हैं भाइयों बहनों। भाइयों बहनों ये सारे लोग इकट्ठे होकर के एक ही काम कर रहे हैं। आप चुनाव सभाएं सबके देख लीजिए, सबके टीवी डिबेट देख लीजिए, सबके अखबारी बयान देख लीजिए, सभी दल। मुझे कोई बताओ भाई ये कोई दल महंगाई कैसे दूर करेंगे इस पर बोलते हैं, जरा बोलो ना। भ्रष्टाचार कैसे दूर करेंगे बोलते हैं, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले इस पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं कहता हूं महंगाई रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मैं कहता हूं बेईमानी रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। भाइयों बहनों मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको, उसके सिवाय इनका कोई एजेंडा नहीं है। आपको तय करना है, हमें किसी को रोकने के लिए नहीं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए वोट करना। हमने भारत के लिए वोट करना है, हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए वोट करना है, देश का भाग्य बदलने के लिए वोट करना है। और इसलिए भाइयों बहनों विधानसभा का चुनाव हो, विधानसभा में एक मजबूत सरकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आए। हम एक मजबूत इरादे का उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला काम करना चाहते हैं। हमारे विधायक समाज की सेवा करते करते हमारे बीच आए हैं। आप हमारे विधायकों को विजयी बनाइए, उड़ीसा का भाग्य बदलने के लिए, सोती हुई सरकार जगाने के लिए आप उड़ीसा में भी सरकार बनाने के सपनों के साथ इस चुनाव अभियान को आगे बढ़ाएं, यही मेरी आपको शुभकामना है। भारत माता की। दोनों हाथ से बोलिए वंदे, ऐसे नहीं पूरी ताकत, वंदे वंदे वंदे, 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 वंदे।